Hello everyone, how are you? Today we are going to start Physical Education of Class 11th, Chapter 1 Changing Trend and Career in Physical Education. I would like to tell you that I am Share Class 11th and 12th CBSC Notes. If you are new on my channel, so please don't forget to subscribe my channel. दिज आर दिज नोट्स आर द वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड आल्सो इन कम्पिटिशन एग्जाम सो लेट्स वी स्टार्ट दीडियो चेंजिंग ट्रेंड एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन इसका मतलब क्या होता है मीनिंग क्या होता है डेफिनेशन क्या होता है ये जान लेते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एस सी बर्क फिजिकल एजुकेशन इज़ द पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन प्रोग्राम विच इज़ कंसाइडर विद ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन थ्रू द मीडियम ऑफ बिग मसल्स एक्टिविटी इसका मतलब क्या होता है कि एजुकेशन प्रोग्राम फिजिकल एजुकेशन इज़ पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन प्रोग्राम जब हम कोई एजुकेशन प्रोग्राम या कोई एजुकेशन हम प्राप्त करते हैं ग्रोथ डेवलपमेंट इन सब के बारे में तो उसे कहते हैं फिजिकल एजुकेशन अब नेक्स्ट देखते हैं इसका एम क्या होता है द एम ऑफ द फिजिकल एजुकेशन मस्ट बी मेक एवरी चाइल्ड फिजिकली मेंटली इमोशनली फिट एंड आल्सो टू डेवलप इन हिम सच पर्सन पर्सनल एंड सोशल क्वालिटी विच विल हेल्प हिम टू लिव हैप्पीली अदर एंड वर्ल्ड हिम अप ए गुड सिटीजन इसका एम क्या होता है कि किसी भी चाइल्ड को फिजिकली मेंटली और इमोशनली ये फ़िट रखता है ओके okay, जिसके वजह से सो, वो सो, सोसाइटी में ग्रो कर सके गुड सिटीजन बन सके और इसका देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होता है तो इसका ऑब्जेक्टिव है द फोर मोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज़ फिजिकल डेवलपमेंट इनफैक्ट इट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन सिस्टम फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है कि फिजिकली डेवलप्ड जो हमारी बॉडी फिजिकल डेवलप करती है उसे कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट नेक्स्ट होता है मेंटल डेवलपमेंट दिस ऑब्जेक्ट विज रिलेटेड टू द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल द वेरियस फिजिकल एक्टिविटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम नीड अलर्टनेस ऑफ माइंड डीप कॉन्सेंट्रेशन एंड कैलकुलेशन मूवमेंट ये मेंटल डेवलपमेंट क्या होता है कि हमारे मेंटल को डेवलप करता है हमारे माइंड को डेवलप करता है मेंटल डेवलपमेंट ये कैसे होता है बाई डूइंग फिजिकल एक्टिविटीज़ कोई भी हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे मेंटल डेवलप्ड होते हैं ठीक तो ये होता है मेंटल डेवलपमेंट नेक्स्ट आगे देखते हैं सोशल डेवलपमेंट दिस ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सोशल ट्रेड विच आर एज एसेंशियल फॉर बेटर एडजस्टमेंट इन लाइफ सोशल डेवलपमेंट क्या होता है सोसाइटी में डेवलप नेक्स्ट होता है न्यूरोसल्स कॉर्डिनेसन दिस ऑब्जेक्टिव इज कंसनट्रेटिंग विथ बेटर रिलेशनशिप बिटवीन नर्व सिस्टम एंड मसल सिस्टम द एक्टिविटी ऑफ़ फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड सिंपल अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलप बेटर न्यूरो मसल्स कोर्डीसन क्या होता है न्यूरोमसल कॉर्डिनेसन की जो कंसंट्रेशन पावर है हमारी ना वो बढ़ जाती है ऑर्गन से हमारा रिलेटेड होता है रिलेट होता है अगर ऑर्गन जिसकी वजह से हमारी मसल्स अच्छे काम करते हैं ओके एंड नेक्स्ट आता है

development of health the development of health is also an objective of physical education it educate on the prevention of communicable disease development of health health kya hota hai development of health kya hota hai ki physical education se hum seekhte hain कि जो हमें communicable disease होती है ना उससे कैसे बचें उसे prevent कैसे हो अब next देखते हैं कि बहुत सारे career ऑप्शन हैं physical education में क्या क्या career ऑप्शन है आओ देखते हैं भाई लोग टीचिंग कैरियर इंड फिजिकल एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन हैज ट्रेडिशनली बीन कौन प्रोफेशनली फील्ड अप्रोप्रिएट ओनली फॉर दोज इंटरेस्टेड इन टीचिंग कैरियर कैरियर ऑप्शन में क्या है टीचिंग कैरियर का टीचिंग कैरियर अगर हम फिजिकल एजुकेशन के टीचिंग टीचिंग में चल जाएँ अगर फिजिकल एजुकेशन पढ़ाएं तो एक कैरियर ऑप्शन है फिजिकल एजुकेशन में और नेक्स्ट क्या है एलिमेंट्री स्कूल्स इट हैज़ बिन ऑर्गेनाइज द फिजिकल एजुकेशनल इज अ मस्ट एलिमेंट्री स्कूल बेसिक स्किल एंड एटीट्यूड कैन बी लर्न वेल इन दिस पीरियड अब एलिमेंट्री स्कूल में अगर कोई टीचर फ़िजिकल एजुकेशन पर जाता है उसे बच्चों को फिजिकल एजुकेशन पढ़ाता है तो ये भी एक कैरियर है एलिमेंट्री स्कूल में और मिडिल स्कूल में भी है फिजिकल एजुकेशन में कैरियर क्या है कैरियर मिडिल स्कूल में देखते हैं केरियर अपॉर्चुनिटी फॉर फिजिकल एजुकेशन टीचर इन मिडिल स्कूल आर सिंपल बट नॉट ओनली इन द स्कूल ऑफ बिग सिटीज़ इन गवर्नमेंट मिडिल स्कूल दे आर रियर अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर फिजिकल एजुकेशन टीचर जो गांव के स्कूल होते हैं ना तो उसमें फिजिकल एजुकेशन के टीचर जो है बहुत कम होते हैं लेकिन जो अब सिटीज़ के स्कूल हैं गवर्मेंट स्कूल हैं मिडिल स्कूल हैं ठीक उसमें क्या होता है कि अच्छे अच्छे टीचर होते हैं फ़िज़िकल एजुकेशन के तो वहाँ पे कैरियर बनता है उन लोग का कैरियर अपॉर्चुनिटी बनती है फिजिकल टीचर का अब नेक्स्ट देखते हैं हाई स्कूल में भी है जनरली दीज आर द नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द जॉब इन द फील्ड ऑफ़ फिजिकल एजुकेशन इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल पब्लिक हाई स्कूल स्पेशली टीचर ऑफ़ फिजिकल एजुकेशन आर अपॉइंटेड इन सच स्कूल अब क्या होता है कि फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर होते हैं ना वो ज़्यादातर हाई स्कूल में प्राइवेट पब्लिक स्कूल में इन सब में ज्यादातर अपॉइंट होते हैं तो ये फिजिकल एजुकेशन का कैरियर है अब नेक्स्ट देखते हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी है इट इज़ ए कॉमन प्रैक्टिस थ्रूआउट द कंट्री टू इंगेज स्पेशल टीचर ऑफ़ फिजिकल एजुकेशन इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन सम्कूल लेक्चर इज फिजिकल एजुकेशन आर अपॉइंटेड टू टीच थ्योरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्या होता है कि फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर होते हैं वो थ्योरी पढ़ाते हैं बच्चों को ओके okay? और कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि there are the many job opportunity to teach physical education in college and university. Physical education is an optional subject in college. There are various professional course in physical education in number of college Such certificate courses physical education. kya hota hai ki physical physical education जो college और university में क्या होता है optional subject होता है जिसे लेना ही पड़ेगा optional रहता है आप ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं लेकिन लेना तो है optional में है तो तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग courses पढ़ाई जाती हैं जैसे सी पी ई डी आप यहाँ पे देख सकते हैं सी पी ई डी है डी पी ई डी है बी पी ई डी है बी एस सी है एंड एम पी ई डी है एम ए है ये सब फिजिकल एजुकेशन में किया जाता है नेक्स्ट देखते हैं पे कोचिंग कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन में कोचिंग करियर क्या क्या है कोचिंग कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन आल्सो आर ट्रेडिशनल कैरियर इन फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन मेनी फिजिकल एजुकेटर प्रीफर टू ऑफ प्र कोचिंग एज़ ए करियर दे आर नंबर ऑफ़ जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर कोचिंग इज़ इन द फील्ड ऑफ टेक्निक मेनी कोच वॉन्ट कैरियर एज ए टीचर एंड कोच वेयर इज अदर डिजायर सोलिटी टू टीच नंबर ऑफ कोचिंग कैरियर ऑपर्चुनिटी है फिजिकल एजुकेशन में जैसे कि बहुत सारे टीचर जो हैं कोचिंग कराते हैं फिजिकल एजुकेशन में ओके एंड हेल्थ रिलेटेड कैरियर क्या हैियर ड्यूरिंग द लास्ट ट्वेंटी ईयर देयर हैज़ बीन ए रैपिड इंक्रीज इन अवेयरनेस ऑफ हेल्थ नाउ डे पीपल हैव बिकम हेल्थी कॉन्सियस कॉन्शियस हेल्थ इज रिलेटेड अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ़ फिजिकल एजुकेशन हैज एक्सपेंडेड इन रिसेंट ईयर यहाँ पे हेल्थ कैरियर का भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है फिजिकल एजुकेशन में एंड नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर का रोल होता है यहाँ पे तो एडमिनिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करियर गोइंग टू इंक्रीज इस्पोर्ट पार्टिसिपेशन एंड इस्पोर्ट रिलेटेड बिजनेस देर इज़ ए नीड ऑफ इंडिविजुअल ट्रेंड इन स्पोर्ट मैनेजमेंट नाव एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कैरियर अपॉर्चुनिटी आर अवेलेबल इन वेरियस फील्ड अब ये क्या करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कि हमें कोई भी बिज़नेस करना होता है इस्पोर्ट्स से रिलेटेड तो हम इनसे कोचिंग लेते हैं तो ये एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं हमें ट्रेंड करते हैं कि हम अच्छा परफॉर्म कर सकें ठीक तो यह सब बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटी है फिजिकल एजुकेशन में अब देखते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़िजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या क्या होता है फिजिकल एजुकेशन का देयर आर मेनी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज इन इंडिया वेयर वेरियस कोर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन आर बींग टॉट इन सच डिपार्टमेंट द एडमिनिस्ट्रेशन लाइ इन हैंड ऑफ चेयरमैन हेड क्या होता है कि बहुत सारे स्कूल हैं इंस्टीट्यूशन हैं जिसमें फिजिकल एजुकेशन है चेयरमैन के हाथ में होता है ठीक तो देखते हैं कौन कौन सा है स्पोर्ट डिपार्टमेंट एक स्पोर्ट डिपार्टमेंट होता है दे आर मैनी जॉब अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन इन स्पोर्ट डिपार्टमेंट द पोस्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ द स्पोर्ट एग्जिस्ट इन ऑलमोस्ट एवरी यूनिवर्सिटी इन इंडिया द डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट इज रिस्पॉसिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम ऑफ द गेम एंड स्पोर्ट स्पोर्ट डिपार्टमेंट क्या होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो बहुत सारा गेम स्पोर्ट्स करवाता है तो स्पोर्ट डिपार्टमेंट <coughs> में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं स्पोर्ट में गेम में कोई चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो डायरेक्टर जो होता है वो उन लोगों को खिला खिलाता है अब नेक्स्ट देखते हैं इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन और क्या क्या, -क्या, -क्या है डिपार्टमेंट इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन है नाउ डे मेनी मल्टी नेशनल कंपनी एंड नेशनल कंपनी आर प्रोवाइडिंग रिक्रिएशन स्पोर्ट अपॉर्चुनिटी फॉर देयर एम्प्लॉयज़ दीज कंपनीजेज ऑन द हेल्थ फिटनेस एंड वेल्थ ऑफ द एम्प्लॉयज बिकॉज हेल्दी एंड फिट इम्प्लॉय हैव मोर कैपेसिटी टू डू वर्क अब इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन में क्या होता है जो फिजिकल और फिटनेस व्यक्ति होता है वो ज़्यादा काम करेगा तो इसका भी बहुत बड़ा रोल है फिजिकल एजुकेशन का स्पोर्ट्स फैसिलिटी मैनेजमेंट में क्या है देर आर ऑलवेज नंबर ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज हुटी दे वर्क दे कैन डू एक्सरसाइज फॉर रिमेनिंग हेल्दी एंड फिट और फॉर द पर्पस ऑफ प्रिक्रिएसन अब स्पोर्ट्स फैसिलिटी फे, मैनेजमेंट क्या है कि जो व्यक्ति अगर फिजिकली फिट है तो वो तो परफॉर्म जो करेगा अच्छा करेगा क्योंकि जो उसकी करने की कैपेसिटी होगी वो अच्छी होगी परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर अब करियर के रिलेटेड परफॉर्मेंस क्या क्या होता है देखते हैं एज ए प्लेयर एक प्लेयर के रूप में लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्ट पर्सन पार्टिसिपेट इन वेरियस गेम एंड स्पोर्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड दे पार्टिसिपेट एंड हाईलाइट द स्किल परफॉर्मेंस क्या क्या करियर होता है एज ए प्लेयर प्लेयर के रूप में वो काम करेगा ठीक एज ऑफिशियल ऑफिशियल के रूप में होता है स्मूथ कंडक्ट ऑफ स्पोर्ट टूर्नामेंट और कॉम्पिटिशन डिपेंड ऑन द गुड ऑफिसियल ओके और कैरियर इन कम्युनिकेशन मीडिया अब कम्युनिकेशन मीडिया में क्या क्या करियर होता है इसको देख लेते हैं करियर क्या 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 होता है हेव कंट्रीब्यूट टू इन्हैंस अ वेरियस कैरियर अपॉर्चुनिटी इन स्पोर्ट कॉम्युनिकेशन सर्चेज ई एस पी एन टेन स्पोर्ट एंड स्टार स्पोर्ट प्रोवाइडिंग ट्वेंटी फोर आवर कवरेज ऑफ़ द स्पोर्ट एंड गेम इन फैक्ट इट हैज़ इन्हेंस द नंबर ऑफ़ द केरियर अपॉर्चुनिटी इन कम्युनिकेशन मीडिया कम्युनिकेशन मीडिया में भी क्या अपॉर्चुनिटी uh, है कि हम कोई भी स्पोर्ट से कम्युनिकेट कर रहे हैं या फिर कोई मीडिया से हैं तो उसमें भी कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत होती तो है स्पोर्ट पर्सन पर की अब देखते हैं स्पोर्ट जर्नलिज्म अब स्पोर्ट जर्नलिज्म का क्या रोल होता है फिजिकल एजुकेटर हु है टैलेंट फॉर वेटिंग मैनी ऑप्शन ए कैरियर एज ए स्पोर्ट्स अब एक और ऑप्शन स्पोर्ट स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का जो फिजिकल एजुकेटर होता है वो स्पोर्ट जर्नलिज्म का भी ऑप्शन उसके पास ये भी कर सकता है ओके नेक्स्ट आती है बुक राइटिंग का तो बुक राइटिंग में भी कैरियर अपॉर्चुनिटी है अवेलेबल इन बुक राइटिंग इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट स्पेशली इन इंडिया एज अ मैटर ऑफ फैक्ट देयर इज शॉर्टेज ऑफ बुक एंड फिजिकल एजुकेशन एंड इट अलाइ सब्जेक्ट इन इंडिया क्या होते हैं कि कैरियर अपॉर्चुनिटी बुक राइटिंग का भी होता है ठीक स्पोर्ट फोटोग्राफी का होता है स्पोर्ट फोटोग्राफी एंड करियर विच कैन बी परस्यूड बाई द फिजिकल एजुकेशन बट दिस करियर इज एप्लीकेबल ऑनली इन दोस्त फिजिकल एजुकेट हुवीन इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी एंड इस टो डिज़ायर टू कम्युनिकेट टू पब्लिक इस्पोर्ट फोटोग्राफी में क्या होता है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं फोटोग्राफी लेके पीपल को डिज़ायर करते हैं और यहाँ पर बुक पब्लिसिंग का भी होता है स्पोर्ट ब्रॉडकास्टिंग का होता है मार्केटिंग का होता है अपना इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए मार्केटिंग का होता है स्पोर्ट इंडस्ट्री का होता है ठीक और यहाँ पे लास्ट आता है कंपटीशन इन वेरियस स्पोर्ट एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन से कंपटीशन होते हैं ठीक तो नेशनल एथलेटिक चैम्पियनशिप वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप इंटर स्टेट एथलेटिक चैम्पियनशिप